दीदारगंज में मां ने प्रेमी के साथ मिलकर 19 वर्षीय बेटे की हत्या करवा दी। प्रेमी अपने 3 साथियों के साथ मिलकर युवक का अपहरण किया और उसे भिंडी के खेत में ले जाकर गला काटा। पहचान छुपाने के लिए सिर को दूसरे खेत में मिट्टी से दबा दिया। ये घटना रविवार की बताई जाती है, जिसका खुलासा पुलिस ने अब कर दिया है। मृतक की मां सहित हत्या में शामिल प्रेमी समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए टेम्पो को भी जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार लोगों में मृतक की माँ दीदारगंज निवासी जूली देवी, उसका प्रेमी सुकुलपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार के साथ मोजीपुर के जितेंद्र कुमार, बैकटपुर के बिट्टू और रवि कुमार शामिल हैं। इस मामले में डीएसपी राजेश कुमार मांझी ने बताया कि हत्या का मुख्य आरोपी धर्मेंद्र कुमार दीदारगंज है, जहां मुख्य आरोपी मृतक के घर में ही किराए पर एक फ्लैट लेकर दुकान चलाता था। वहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और पैसे का लेन देन भी होने लगा। ये बात पता चलने पर मृतक सूरज धर्मेंद्र का विरोध कर उसे दुकान खाली करने का दबाव बनाने लगा, जिससे परेशान होकर सूरज की मां ने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची। 15 दिन पहले मुख्य आरोपी का मृतक के साथ मारपीट भी की गई थी। उस समय धर्मेंद्र ने सूरज को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस के मुताबिक रविवार को मृतक अपने नाना के घर माल सलामी के लिए मसूरगंज गया हुआ था। रात 10 बजे करीब वो पैदल दीदारगंज लौट ही रहा था। चेक पोस्ट के पास पहले से घात लगाए बैठे मुख्य आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे दबोच लिया, जिसके बाद उसे टेम्पो पर बिठाकर एक भिंडी के खेत में लेके गए और तेज धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। 3 आरोपियों ने सूरज के हाथ पैर पकड़े तथा धर्मेंद्र ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। वहीं पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने उसके सिर को बिक्रमपुर गांव के पास एक गड्ढे में छिपा दिया था और उस पर काफी मोटी परत में मिट्टी भर दी। यही नहीं, धड़ को दुर्घटना दिखाने के लिए रेलवे हंटर में फेंक दिया गया। सोमवार को मृतक के नाना गोपाल प्रसाद ने जब धर्मेंद्र कुमार को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई तो पुलिस ने उसे हिरासत में लेते हुए पूछताछ की, जहाँ उसने पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। मूल कारण है कि मृतक के घर में जो किराए पर दुकान चलाते थे धर्मेंद्र कुमार, उससे और मृतक की माँ से मधुर संबंध थे और इसी बीच दुकान खाली कराने की बात को लेकर धर्मेंद्र द्वारा को मृतक द्वारा बोला गया था, जिसमें धर्मेंद्र आनाकानी कर रहे थे और मृतक की माँ धर्मेंद्र का साथ दे रही थी। इस संलिप्तता के आधार पर वो लोग दोषी हैं और घर पर गिरफ्तारी की गई।